एक चीज की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो फैसले क्यों नहीं कर पा रही। अभी कल ही पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का जो नेशनल एयर कैरियर है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसने तकरीबन जो कि एक लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटिटी है, लॉस मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग नहीं, सिर्फ 24 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की हैं, 12 एक डिले हो गई हैं। मतलब 50-50 फ्लाइटें जो हैं वो 24-36 घंटे के अंदर जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने इसको रखना है। भाई किस लिए, क्यों पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर आप बोझ डालते हैं? अब जो मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना, कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है, इसका ताल्लुक, ये कोई गवर्नेंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हमने PAE के बड़े चेयरमैन लगाए, कभी हम एयर वाइस मार्शल लगाते हैं जी एयरफोर्स से आए हैं, कभी हम प्राइवेट सेक्टर से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं। लोग कहते हैं भैया आप नहीं ट्रैवल कर सकते, मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन मैं तो डरूंगा PAE की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। अब देखे ना, जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई जानी हो, मस्कत जानी हो, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया, उन्होंने कहा तुहाडे कोल तो जिहड़े ने क्या नाम है उसका यार, जो पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। और हमारे मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली एक्सेप्ट किया, मिनिस्टर फॉर एविएशन साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने, इमरान खान की हुकूमत के बड़े तोहफे हमें मिले। एक तोहफा ये भी था, ठीक है जनाब, ये तोहफा था कि भाई आप जो है हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है। मेरा ख्याल है लेस जो एयर इंडिया ना, उसी से सबक सीख लें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो गवर्नमेंट एयरलाइन है, और मजे की बात है, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को हेल्प किया 1984 में, लेकिन हम क्योंकि उस वक्त एमिरेट्स के पास जो क्रिटिकल एक्सपर्टीज थी वो नहीं थी। आप देखें ना कि ये अभी सुनने में आ रहा है कि हम इसको प्राइवेटाइज करने चाह रहे हैं। भाई इसको कब करेंगे, जब कुछ भी नहीं रहेगा। तो एयर इंडिया से सबक सीख लेना चाहिए, एयर इंडिया से जो है वो सबक सीख लेना चाहिए कि जिसे वो कहते हैं ना कि वो उन्होंने कैसे अपनी जान छुड़ा ली और वो निकल गए। और अभी देखें आप, पाकिस्तान की कोई सियासी गवर्नमेंट हो, टेक्नोक्रेट हो, कोई भी हो, ठीक है जी, हम सारे टाइम सब्सिडीज दे रहे हैं, सब्सिडीज दही जा रहे हैं, और उसके रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है जी। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और ये इंडिया से इंस्पिरेशन सीखें। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट एयर जो ओन एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा सन्स को बेच दी $2.4 बिलियन में। तो बात उन्होंने वो अकलमंदी की ना उन्होंने, और मुझे याद है इंडिया की जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आई थिंक शी वाज अर्लियर डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि जो इंडिया एयर इंडिया जो है उसका जो देखिए टोटल लॉस जो था वो $9.5 बिलियन था, और जिसमें ये आप ये कहें कि उस वक्त इंडिया को तकरीबन $2.6 मिलियन एवरी डे लोन जो था उसका लॉस देना पड़ा था एयर इंडिया का, 130 जहाजों का जो एयरक्राफ्ट का उनका फ्लीट था, उनके पास बेटर रूट्स भी थे, बड़ा कुछ था। और इंडियन सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमने प्राइवेटाइज कर लेना है, और ये उन्होंने कर ली। पहले इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल उसके 40% स्टेक जो है वो एयर लिंक को दिए 2011 में, ठीक है जी, देने की कोशिश की, और बाकी एयरलाइंस भी उसको साथ मिलकर चलाना चाहते थे। और फिर इसी तरह जिसे वो कहते हैं ना कि इसी तरह फिर 2018 में 76% जो उन्होंने अपने जो शेयर्स वगैरह वो देने शुरू कर दिए और कोशिश की, लेकिन टाटा सन जो है उन्होंने उसको खरीद लिया सारा और वो किया। और मेरा ख्याल है कि ये हमें इसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, और जान छुड़ा के खुदारा अपनी इज्जत बचाएं, पाकिस्तान की इज्जत बचाएं। एक तरफ आप कहते हैं हमने हमने इक्विपमेंट हम जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आना, दूसरी तरफ हमारी खबरें जाती हैं। अब होता क्या है कि जहाज़ की कोई भी खबर हो वो इंटरनेशनल हो जाती है, वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, बताई जाती है जी जहाज़ लेट हो गया,
जी ये वेस्टर्न मुल्कों की जो फ्लाइट्स में हम बैठते उठते हैं, वो किसी का जहाज लेट हो जाओ, तरले मिनता माफियां कर रहे हैं, दोनों कहते हैं नहीं 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 हमसे गलती हो गई, ये हो गई, सॉरी सॉरी, अपोलोजाइज अपोलोजाइज कर रहे होते हैं, और वो कोई उनके ये तो नहीं है कि उनके जहाज किसी ने रोक लेना। अब आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर जो वो करेंगे, बार बार करेंगे, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, सारी तो हमने मार्केट दे दी है एमिरेट्स को, हमने मार्केट दे दी है कतर को, हमने मार्केट दे दी है क्या नाम है उसका टर्किश को। मैं रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा था तो उस वक्त मुझे उन्होंने कहा जी कि बड़ी अच्छी फ्लाइट है। मैं कहा जी कौन सी अच्छी फ्लाइट है? उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद से आप इस्तंबुल जाएंगे पीआईए भी, और पीआईए से फिर आगे जो जिनीवा मैंने जाना था इस्तंबुल से, तो उन्होंने कहा जी वो आपको टर्किश लेके जाएगी। मैंने कहा चलो यार ज़रा मैं भी ये देखता हूँ, चखता हूँ मज़ा अपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। वो जो मज़ा फिर मैंने चखा, फिर मुझे समझ आ गई कि वाकई इसको पीआईए क्यों कहते हैं। सीटें हैं तो फटी हुई हैं, जो हमारे एयर होस्टेस हैं मेल फीमेल वो सारे जड़े ने ढाई अनइम्प्रेसिव, उनके अंदर वो कोई नहीं थी, वो पता नहीं अपने जो है ना ख्यालों में कहीं गुम थे, क्या कर रहे थे, कुछ अच्छे थे लग रहे थे कि वाकई जो है ना वो डेडिकेटेड है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस बंदे को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब मिल गई है ना, वो जॉब नहीं छोड़ता, वो कहता मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, इत्थे ही मैं इत्थे ही मेरी जड़ी है ना कबर भी इत्थे खोदो, मीनू मैं नहीं जब ये छड़नी, बिकॉज मार्केट में जॉब्स नहीं है, हालात खराब हैं, तो लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे। ठीक है जी। और ये फिर वहां से जब आगे हम जनीवा से जब जाते हैं उस पर टर्किश एयरलाइन पे, तो पता चलता है यार कितनी फर्स्ट क्लास एयरलाइन है, बड़ा आपको मजा आता है ट्रैवल करने का। लेकिन जब आप पीए में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि यार क्या, और हमने टर्की से ले जो है ना अपना शेर लिया, टर्की को कहा कि आप हमारे साथ मार्चा मार ले, हमारे पंजाबी में कहते हैं मार्चा मारना, मार्चा मारना मीन्स कि भाई हम यहाँ से पीए टर्की इस्तांबुल तक जाएगी, आगे जो है वो जाएगी। और जब मैं वापसी पे आया तो ट्रस्ट मी, जब मैं वापसी पे आया तो उस जहाज में ना कोई स्क्रीन थी, ना जाते हुए भी स्क्रीन स्क्रीन कोई नहीं थी, ना कोई स्क्रीन थी ना कुछ थी, खाना दिया और हम सो गए। और उसकी वजह ये थी कि जहाज तो बड़ा था लेकिन फुल नहीं था, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ना कोई स्क्रीन है, ना हमें जहाज वाला बता रहा है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट है, बस एक दफ़ा उसने बता दिया जी यहाँ 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 से हम गुजरेंगे, एंड देन वो खामोश हो गया। फिर उसने इस्लामाबाद आ गया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं पहुँच गया, तो थले उतर जाओ। सो दैट इज़ वेरी अनइम्प्रेसिव। मैं नहीं समझता कि हम पीए को चला सकते हैं, नहीं चलता तो कोई बात नहीं, खैर है, हम तो पहले ही पैसे टिकटें दे रहे हैं, महंगी महंगी लोग टिकटें लेके तो बाहर जब जाते हैं तो वो और मुल्क देते हैं, फ्लाई दुबई और छोटी जो जो कंपेरेटिवली चीप फ्लाइट्स हैं उनके साथ मुआहदे करें, लोगों को फ़ायदा दें। हमने एक चीज़ की और समझ लगी है पाकिस्तान में, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम चला नहीं सकते, हम सर्विस सेक्टर जो है हम उसको नहीं कर सकते, हम नहीं चला सकते, ठीक है ना। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो जिसे वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ सर्विसेज ही ले हो सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आप देखें कि जो भी चीज़ हम चलाएंगे हम उसमें दयानतदारी से नहीं चलाते, ईमानदारी से नहीं चलाते, हम उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आते, तो फिर कैसे चीज़ें चलेगी। जब हमें ये होगा कि एक जहाज़ पे फटाफट बंदे भर्ती कर लो, अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के, अपने गाँव के, और मैं क्योंकि इस वक्त मिनिस्टर हूँ, ठीक है जी हमें 200 बंदे दें जी, मैंने भर्ती करने, मैंने इलेक्शन जीतना, फिर इलेक्शन ही जीतोगे मुल्क तो नहीं चलेगा ना। सियासतदानों की बात हम करते कोई नहीं है, लेकिन ये सियासतदाना का पटाभा आया है ना। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोगों को सियासतदानों ने पीआईए में भर्ती कराया, वो आज तक पीआईए में हैं और वो निचोड़ रहे हैं पीआईए को, और जब इसकी नीलामी की बात होती है उनकी चीखें निकलती हैं, उनको पता है उनके इंटरेस्ट गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो द क्वेश्चन इज़ कि फिर सियासतदानों को बातें करें तो सियासतदान कहते हैं जी ये जमहूरियत खतरे में है, फौज को बातें करें तो वो कहते हैं जी हमारा तो फिर तरीकाकार, अगर हमें कहेंगे तो हम अपने अंदाज से चीज़ें करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इस पाकिस्तानियों की जो है ना ये किस्मत ऐसे ही है कि भाई ठीक है, इधर से फौजी मारते हैं, उधर से सियासतदान मारते हैं, उधर से ब्यूरोक्रेसी मारती है, उधर से इंटरनेशनल हुकूमतें जो वो मारती हैं, और हम जो है ना वो एक खिदू बने ने वाम बने ने, इधर भी चंडा खा रहे हैं, इधर भी चंडा खा रहे हैं, दैट इज़ वेरी अनफेयर। ठीक है, पीपल ऑफ पाकिस्तान डिजर्व मच बेटर, एवरीबॉडी इज पेइंग टैक्सेस, लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, आई थिंक द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिजर्व मच बेटर जो हमें दिया जा रहा है। और जब पीआईए इंटरनेशनली इंटरनेशनल एयरलाइन है और जब ये कहीं रुकती है क्योंकि तेल नहीं है, तो
ये पीएयू की कोई इंसल्ट नहीं होती। हर पाकिस्तानी जिसके हाथ में वो ग्रीन पासपोर्ट होता है ना, जो कि मेरे पास भी है और लोगों के पास भी है, हर बंदे की इंसल्ट होती है। हर बंदा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है, ठीक है आप करें ना करें, लेकिन आप हो रहे, ठीक है मैं को पीएयू में काम तो नहीं करता, मैं को गवर्नमेंट में काम तो नहीं करता, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम ए पाकिस्तानी, मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है, मैं खुशी महसूस करता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ। ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, क्रिमिनल नेगलिजेंस, ये वो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ जिसकी वजह से सारे का सारा मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। और ये अगर हम चीज़ें बंद कर दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं मैं समझता हूँ, लेकिन इंतहाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हम ये चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहते। हमने एयर, जैसे वो कहते हैं ना, एयर इंडिया से सबक नहीं सीखना, अगर हम एयर इंडिया से सबक सीख लें तो हम, जिसे वो कहते हैं ना, हमें हमारी किस्मत संवर जाए। हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो रियल स्टेट में तो पैसा लगाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में पैसा नहीं लगाना चाहते, वो इसको बिकने नहीं देते, वो खरीदते नहीं हैं, वो उनको चाहिए कि जो जो प्लॉटों में पैसे जो डालते हो और रियल स्टेट में, वो जहाज़ों पे आओ और नौकरियां पैदा करो। ये क्या बात हुई कि जी आप कहें जी कि हमने सारा टाइम इसी चीज़ों में लगे रहते हैं, इंतहाई अनफॉर्चुनेट, दुख की बात है जी, मुझे तो बड़ा दुख तकलीफ होती है। कहाँ एयर इंडिया, देखें द क्वेश्चन इज यहाँ पे आती है फिर लीडरशिप, फिर बातें तो करते हैं ना, लीडर इंडिया ने लीडरशिप दिखाई ना, उन्होंने कहा यार नहीं, हुकूमत का काम नहीं है नौकरियाँ देना, आप क्यों नौकरियाँ दें आपको ये काम, और ये देखें ये फ्री मार्केट में ये काम हुकूमत का नहीं है नौकरियां देना, हुकूमत का काम होता है एनवायरनमेंट पैदा करना जिसमें नौकरियां दी जा सकें। हुकूमत का ये काम थोड़ी है कि आपको नौकरियां इकट्ठी कर दे रहे, अगर हुकूमत नौकरियां इस तरह देने लग पड़ेगी तो हुकूमत तो गई, हुकूमत के पास तो कोई चॉइस नहीं रहेगी, वो तो सारा टाइम आपको नौकरियां देते रहेंगे और पब्लिक, वो तो आप वो जितने पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर यही लोग जो सरकारी मुलाजम होते हैं हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। सो हुकूमत जो है वो उसको उसका जो कम से कम बर्डन बोझ हुकूमत के ऊपर होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ ये हमने बड़ा जुल्म किया है शुरू से, हमने अपने ऊपर जो रख के ना इसको इस सारे प्रोसेस को रख के बड़ा जुल्म किया हमने अपने, वो किए जा रहे हैं और परवाह ही कोई नहीं है, शर्म ही कोई नहीं है कि यार हमें क्या करना चाहिए था, हमारे पास क्या होना चाहिए था। इंतहाई बेशर्मी के साथ ये चीज़ें जो हैं मैं देखता हूँ ये हो रही हैं, और अनफॉर्चुनेट, एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट चीज़ है। आई विश कि पीपल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार जो है वो इन चीज़ों को समझे, वो देखे, वो परखे कि भाई तुम ऐसे नई निज़ाम को चला सकते, डिसीजन लो, लीडरशिप दिखाओ, ठीक है। जिस बंदे ने लीडरशिप ही नहीं दिखाई उन्हें की था कि जिस बंदे ने सख्त फैसले नहीं किए और जो इस चीज़ में पीछे रहे, मेरे वोट ते मेरी हुकूमत, मेरे वोट सियासतदानों ने पाकिस्तान को गवा दिया, इस चक्कर में रह के कि मैंने दूसरी टर्म लेनी है, मैं 5 साल पूरे करने ने अगले 5 साल भी अल्लाह के हुक्म ना, पहले 5 साल भी पूरे नहीं होंगे, अब वो अगले 5 सालों के पीछे भजन डाया होंगे, ठीक है ना जनाब। सो पहले 5 साल भी पूरे नहीं हुए, अगले 5 सालों पर जाने की जो है ना वो तैयारियां हो रही हैं कि यार सा होते जाना है, इंतहाई शर्मिंदगी की बात होती है, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। खैर जिसे वो कहते हैं ना, क्या बंदे ने क्या बातें करनी और क्या नहीं करना, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, ठीक है। और हम इंटरनेशनली हर रोज़ विजिट होना पसंद करते हैं, हम सख्त फैसले लेना पसंद नहीं करते, हम चंद हज़ार लोगों को ले ऑफ करना, क्या इस मुल्क में नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, ये लोग जो जिन्होंने पीआईए में काम किया ये एक्सपर्टीज़ कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इतने ही ज़्यादा सरकारी एयरलाइन के आपने जो है वो जॉब की हुई है, आपको ट्रेनिंग दी हुई है, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया हुआ है, आप क्या दुनिया में जाके और नौकरी नहीं ढूंढ सकते? शर्मिंदगी की बात है, ये सब के ऊपर जो से कहते हैं ना, ये जुल्म करते हैं सारे लोग, सारे के सारे लोग, और इसमें सियासतदान टॉप ऑफ द टॉप है। उसकी रीज़न ये है कि वो इसको बेचते नहीं हैं, इस वाइट एलिफेंट को बेचते नहीं हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडियन लीडरशिप ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, एयर इंडिया बेचती, तुसी भी बेचो ना, तुहाडा उहना दा उहना दी इकोनॉमी तुहाडा ना अच्छी है, उनकी तो GDP आपसे ज़्यादा है, उनकी तो जिसे कहते हैं ना टर्न ओवर, उनका तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 अरब ज़्यादा पड़ा हुआ है, उनको तो जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने भी फैसला ले लिया, वो चाहते तो ना लेते, कहते थे ठीक है यार नहीं लेंगे, बंदे कार पकड़ने पहन के।